इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जो आपको हैरान करके रख देगी। नंबर 1, ये घटना वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे रोचक और विनाशकारी घटना है। इस घटना की शुरुआत होती है 1941 को, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर हमला कर दिया। इस हमले में अमेरिका का भारी नुकसान हुआ और 2400 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हैरानी की बात तो ये थी कि उस वक्त तक अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल नहीं था, लेकिन इस हमले की वजह से अमेरिका में गुस्सा भर गया और वो जापान से बदला लेना चाहता था, और इसी वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में कूद पड़ा और जापान के खिलाफ जंग छेड़ दी। उस समय अमेरिकी नौसेना के पास एक युद्धपोत था जिसका नाम था इंडियानापोलिस। इस युद्धपोत ने अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत साथ दिया, लेकिन आगे जो इस युद्धपोत के साथ होने वाला था उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 31 मार्च 1945 की बात है। इंडियानापोलिस युद्धपोत जापान के ओकिनावा समुद्र तट पर खड़ा था और जापान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। तभी जापान का एक विमान इंडियानापोलिस युद्धपोत की तरफ आता है। जापान का वो पायलट अपने विमान को इस युद्धपोत से टकराना चाहता था ताकि ये युद्धपोत तबाह हो जाए, लेकिन इंडियानापोलिस में बैठे सैनिकों ने उस विमान पर हमला किया, जिसे वो विमान तो युद्धपोत से नहीं टकराया लेकिन विमान के पायलट ने एक बम इंडियानापोलिस पर दाग दिया। इस बम की वजह से इंडियानापोलिस में एक बड़ा छेद हो गया, क्योंकि वो बम फटने से पहले इंडियानापोलिस के आर पार हो गया। जब युद्धपोत में छेद हो गया तो इसको ठीक करने के लिए युद्धपोत के कर्मचारी उसे अमेरिका ले आए। उस समय अमेरिका ने परमाणु बम बना लिए थे और अब अमेरिका जापान पर बम गिराना चाहता था, लेकिन ये बम काफी भारी थे। एक हवाई जहाज इन बमों को लेकर जापान तक नहीं जा सकता। बाद में अमेरिका की सरकार को इंडियाना युद्धपोत के बारे में पता चला और दोनों ही परमाणु बमों के हिस्सों को इंडियानापोलिस युद्धपोत पर रख दिया। 16 जुलाई 1945 के आसपास इंडियानापोलिस युद्धपोत इन दोनों बमों को लेकर जापान की ओर चला गया और 26 जुलाई को इंडियानापोलिस जापान से 1.5 किलोमीटर दूर टीनियन द्वीप पर पहुंच गया। वहीं पर वैज्ञानिकों ने परमाणु बमों के उन हिस्सों से दो बम तैयार किए, यानी कि लिटिल बॉय और फैट मैन। बाद में अमेरिका ने उन दोनों परमाणु बम को 6 और 9 अगस्त को जापान पर गिरा दिया। लिटिल बॉय को हिरोशिमा पर गिराया गया और फैट मैन को नागासाकी पर। यह हमला इतना विनाशकारी था कि इसे दो परमाणु बम से जापान के 3 लाख लोग मारे गए। इस हमले में जापान की कमर ही टूट गई और जापान ने सरेंडर कर दिया। जब अमेरिका ये युद्ध जीत गया तो अमेरिकी लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका के लिए बड़ी भूमिका निभाने वाले इंडियानापोलिस के साथ एक विनाशकारी घटना घट चुकी थी, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता था। दरअसल 26 जुलाई को इंडियानापोलिस युद्धपोत जब टीनियन द्वीप पर पहुंचा और जब बम उतार दिए तो बाद में ये युद्धपोत फिलीपींस की तरफ बढ़ गया और 30 जुलाई 1945 को ये फिलीपींस के लेटे द्वीप के पास पहुंचा। आधी रात का समय था, तभी एक जापान की पनडुब्बी ने इंडियानापोलिस पर हमला कर दिया। जापान की उस पनडुब्बी ने 6 टोरपीडो इंडियानापोलिस पर दागे, जिसमें से 2 टोरपीडो बिल्कुल निशाने पर लगे। युद्धपोत पर भयानक विस्फोट हुए और इस हमले में ये युद्धपोत 2 टुकड़ों में टूट गया। एक विशाल कहे जाने वाला युद्धपोत महज 12 मिनट में ही पानी में समा गया। उस समय इस युद्धपोत पर अमेरिका के 1200 सैनिक सवार थे। जब ये युद्धपोत पानी में डूबा तो 300 लोग इस युद्धपोत से बाहर ही नहीं आ पाए और इसके साथ ही पानी में समा गए, लेकिन उनमें से 900 लोग युद्धपोत से बाहर आ गए और जहाज के टूटे सामान को पकड़कर समुद्र में तैरने लगे। सभी मदद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि उनका मुश्किल समय अभी शुरू हुआ है। हालांकि अमेरिका ने 7000 युद्धपोत वर्ल्ड वॉर 2 में तैनात किए थे और ये सभी युद्धपोत रेडियो के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब इंडियानापोलिस पर हमला हुआ तब सैनिकों ने
रेडियो सिग्नल भेजे थे और ये रेडियो सिग्नल तीन ऑपरेटरों ने प्राप्त भी किए थे। बाद में इन तीनों ऑपरेटरों ने अपने अफसरों को इन सिग्नलों के बारे में बताया, लेकिन उनके अफसरों का कहना था कि ये जापान की कोई चाल है, ऐसा किसी युद्धपोत पर हमला नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई कोई और थी। 900 से ज्यादा लोग मौत और जिंदगी के बीच खड़े थे। सभी सैनिक रात भर पानी में तैरते रहे और जब सुबह हुई तो सैनिकों को पता चला कि 20 फीट लंबी शार्कों ने उन सभी को घेर लिया है। दरअसल जिस समुद्र में इंडियानापोलिस डूबा था वो शार्क का इलाका था और दिन होते ही उन शार्कों ने सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सभी सैनिक एक जगह इकट्ठे हो गए, लेकिन फिर भी कोई शार्क आती और किसी सैनिक को उठा कर ले जाती। वो गर्मी के दिन थे। जब दोपहर का समय आया तो सूर्य की किरणें पानी पर इतनी तेज चमक रही थी कि सैनिक अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। उस समय उन सैनिकों के लिए एक पल भी बिताना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद भी वो 4 दिन तक ऐसे ही तैरते रहे। और 2 अगस्त की सुबह 8 बजे आसमान से एक विमान गुजर रहा था। दरअसल ये विमान रास्ता भटक गया, इसको जाना कहीं और था, लेकिन ये विमान इधर आ गया। विमान के पायलट ने जब समुद्र में देखा तो ऑयल फैला हुआ था। ऑयल को देखकर विमान का पायलट विमान को नीचे ले आया और जब ऊंचाई कम हुई तो बहुत सारे सैनिक पानी में तैरते हुए पायलट को दिखाई दिए। ये देखते ही विमान के पायलट ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी और तुरंत ही मदद भेजने को कहा। इस पायलट का नाम था मार्क एंड्रियन और जो इसके पास विमान था वो सी प्लेन था, वो पानी पर उतर सकता था। बाद में मार्क को ये भी नजर आया कि बहुत सारी शार्कों ने सैनिकों को घेर रखा है, इसीलिए मार्क ने अपनी गन से शार्कों पर हमला किया और उनको सैनिकों से दूर किया। बाद में मार्क ने अपने विमान को पानी पर उतारा। उसके बाद थोड़ी ही देर में वहां पर जहाज मदद के लिए पहुंच गए। हैरानी की बात तो ये थी कि 4 दिन पहले यहाँ पर 900 से ज्यादा सैनिक तैर रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 316 लोग ही बचे थे। जिंदा बचे लोगों का कहना था कि हर रोज 150 से 200 लोग शार्कों का शिकार होते थे, लेकिन मार्क एंडियन की वजह से 316 सैनिकों की जान बच पाई। बाद में मार्क को इस काम के लिए अवार्ड भी मिला। लेकिन इस घटना में सबसे रोचक कहानी इंडियानापोलिस के कप्तान चार्ल्स मैकवे की थी। इस घटना में जो लोग बचे थे उसमें इस युद्धपोत के कप्तान मैकवे भी शामिल थे, लेकिन बाद में मैकवे पर यह आरोप लगा कि उनकी गलती की वजह से इतने सारे लोग मारे गए। दरअसल मैकवे की ये गलती थी कि उन्होंने अपने युद्धपोत को जिगजैग पैटर्न में नहीं चलाया। यदि वो अपने जहाज को जिगजैग पैटर्न में चलाते तो पनडुब्बी कभी उस पर हमला नहीं कर पाती, और इसी गलती की वजह से मैकवे को सेना से निकाल दिया। हैरानी की बात तो यह है कि वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिका के 400 से ज्यादा युद्धपोत बर्बाद हुए, लेकिन आरोप सिर्फ मैकवे पर लगा और उन्हीं को सेना से निकाला गया। बाद में मैकवे काफी परेशान हो गए और इसी वजह से 1968 में 70 साल की उम्र में मैकवे ने आत्महत्या कर ली। जब लोगों को ये बात पता चली तो कई लोग मैकवे के सपोर्ट में आ गए। उन लोगों का यह कहना था कि सरकार ने मैकवे के साथ गलत किया। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा और 1997 में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसमें लोगों को ये पता चला कि मैकवे की कोई गलती नहीं थी। दरअसल मैकवे की ये गलती थी कि वो अपने युद्धपोत को जिगजैग पैटर्न में नहीं चला रहे थे, लेकिन उस समय नौसेना का एक नियम था कि यदि कंट्रोल रूम से युद्धपोत को ये बताया जाए कि तुम्हारे आसपास कोई पनडुब्बी है तो ही युद्धपोत को जिगजैग पैटर्न में चलाना होता था, लेकिन मैकवे को कंट्रोल रूम से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली थी, इसलिए वो अपने जहाज को जिगजैग पैटर्न में नहीं चला रहे थे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2000 में चार्ल्स मैकवे पर लगे सारे आरोप हटा लिए गए और इस तरह मैकवे को मौत के 30 साल बाद न्याय मिला। दोस्तों, इस घटना को घटे 75 साल हो चुके हैं और इंडियानापोलिस पर जो हमला हुआ था और उसमें जो लोग बचे थे उनमें से अब सिर्फ एक आदमी ही जिंदा है। इस आदमी का नाम है हेरोड ब्रे। उस समय हेरोड 18 साल के थे। इस घटना को तो आपने जान लिया,
अब मैं आपको एक रोचक बात बताता हूँ। एक बार हेरोड एक टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे, तभी हेरोड को ये पता चला कि जिस जापानी पनडुब्बी ने इंडियानापोलिस पर हमला किया था, उस पनडुब्बी में बैठे सैनिकों में से एक सैनिक आज भी जिंदा है। बाद में हेरोड ने उस सैनिक का एड्रेस निकलवाया और उसे एक पत्र भेजा। सभी लोगों को ये लग रहा था कि हेरोड जरूर उस जापानी सैनिक को हमला करने के लिए कुछ खरी खोटी सुनाएंगे, लेकिन हेरोड ने ऐसा नहीं किया। हेरोड ने उस पत्र में लिखा कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, उस समय आपने जो कुछ भी किया वो आपने अपने देश के लिए किया। एक सैनिक युद्ध अपने देश के लिए लड़ता है, उसमें उस सैनिक की कोई गलती नहीं होती। जब हेरोड ने जापान के उस सैनिक को पत्र भेजा तो उस सैनिक ने भी हेरोड को वापस एक पत्र भेजा। उस जापानी सैनिक का नाम था कुशिरो कियोजुमी, और कियोजुमी ने जो पत्र हेरोड को भेजा था उसमें कियोजुमी ने लिखा, उस समय आपके और आपके साथियों के साथ मैंने और हमारे साथियों ने जो किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कोई भी सैनिक जब सेना में भर्ती होता है तो वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन फिर भी वो सैनिक जाने अनजाने में ऐसे बच्चों का दोषी हो जाता है जिन बच्चों के पिता उस युद्ध में मारे जाते हैं। वो ऐसे माताओं के भी दोषी हो जाते हैं जिनके बेटे युद्ध में मारे जाते हैं, और वो ऐसे पत्नियों के भी दोषी हो जाते हैं जिनके स्वाग उस युद्ध में उजड़ जाते हैं। ये दोनों सैनिक आज भी जिंदा है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।